ओके तो आज हमें डेप्रिसिएशन और जो बाकी पढ़ा कल हमें पढ़ते कजेस ऑफ डेप्रिसिएशन आज पढ़ा कौ कौ फैक्टर्स को हमें कंसीडर करवा डेप्रिसिएशन को डिटरमिनेशन करने फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग the amount of depreciation amount determination kariba pai ko ko factor ko me consider kariba okay the first is called original cost of the asset first consideration hela original cost of the asset मेन्स आमको फास्ट देखा पड़ो आसेट ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आसेट कौन ना द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ आसेट्स जहाँ भी आम खर्च कर गोटे आसेट्स को आक्वायर करने ओके दैट इज परचेज प्राइस ऑफ द आसेट्स आसेट्र किणा मूल्य परचेज प्राइस ऑफ द आसेट्स ओके प्लस लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस प्लस इंश्योरेंस इन ट्रांजिट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंपोर्ट ड्यूटी और यानी ऑक्ट्राय ड्यूटी कह पार ऑक्ट्राय कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कॉस्ट ऑफ फास्ट ट्रायल रन मेन्स गोटे आसेट्स को आक्वायर करने जहाँ भी खर्च करेन्स परचेज प्राइस ऑफ द आसेट आसेट को कि आसेट्र कि मूल्य आसेट को किणी सारापर आम जो जगह इनस्टलेसन कर जगह को आसेट्स जो जगह आम स्थापन करवा से आसेट्स को जगह को आने पड़ो मेन्स कि जोटी है आसेट्र कि मूल्य प्लस से आसेट्स को जो इनस्टल कर स्थापन कराठिकी आने पर्यत जहाँ जहाँ खर्च होता है से लोडिंग अनलोडिंग खर्च हो कौन सी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो बाटे आसवा बेले इन्सुरांस ट्रांजिट कराई थे से इन्सुरांस कराई थे दैट इज कॉल्ड इन्सुरांस इन ट्रांजिट जदि आसेट्स नष्ट कौन से डैमेज को भरणा करने इन्सुरांस कराई थे से इन्सुरांस खर्च इम्पोर्ट ड्यूटी जदि आम कौन सी मेसीन कौन सी प्रकार आसेट्स आउटसाइड इंडिया आनुच्चे इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ता है ओक्ट्राय ड्यूटी मीनस रास्तार आसला बेल विभिन्न प्रकार ड्यूटी गेट्रे टोल गेट्रे ड्यूटी देवा पड़ता है ओके सो देन कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एवं ताकू जो जगह आम इनस्टल करूँ इनस्टल करने जो खर्च से मध्य प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन फास्ट ट्रायल रन मीनस प्रथम जो आम ट्रायल करवा मेसीन आम ठीक अच्छे ना इनस्टल कर सारापर आम ए ट्रायल कर देखा जो मेसीन आम ठीक चलो ना नहीं आसेट आम ठीक कम करना ना तो ये सब खर्च को मिसेदे ओरिजिनल कॉस्ट होता है मीनस एग्रीगेट ऑफ ऑल दिज कॉस्ट्स एग्रीगेट ऑफ ऑल दिज कॉस्ट्स आर कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आसेट दैट मीन सिंपली वे कह गले आसेट्स कि मूल्य प्लस आसेट्स जो इनस्टलेसन हो जोठ कि सेठ इनस्टलेसन जो से जगह आसेट्स को पहुंचे जहाँ खर्च प्लस जहाँ जहाँ आम इनस्टलेसन आसेट्स को स्थापन करने जहाँ खर्च हो प्लस ट्रायल रन कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन मैंने थे आसेट्स को ट्रायल रन कर देखिए आसेट ठीक अच्छे ना नहीं से पर्यटन जहाँ जहाँ खर्च होता है ओके कहुए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आसेट्स क्लियर तो फर्स्ट आम कौन फैक्टर्स को कंसीडर करा ना व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आसेट क्लियर देन सेकंड एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ
एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ और यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स। ओके, तो ये जो असेट्स किणा है था तार वर्किंग लाइफ को एस्टिमेट कराए था जे असेट्स केते दिन पर्यंत काम करे। ओके, तो तार ना लाइफ वर्किंग लाइफ था बा यूजफुल लाइफ था जा हम एस्टिमेट कर। ओके, तो एटा को बेसिस रे एस्टिमेट हेते आइदर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑब्टेंड, एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेंड। On the basis of number of units expected to obtain, means हमें कितने units हमें expect करते से assets को use करिया में तैयार करी फिर या production करी। Okay, for example, जब वो ने machine मु करो जी एवं वो expect करते से machine 1 lakh units पर जनता production करी। That means 1 lakh units production करी साला मैंने machine का capacity हला जे पूरा लाइफ भीतर मशीन 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन करिवो, दैट मींस 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन कर सला पर से मशीन अब कोनसी काम लाग परिवो ने। ओके, तो ये है गला नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेशन करछन कि केतन पाइबा, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स मध्ये हमें एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कैलकुलेशन बा एस्टिमेट कर पाइबा। आउ ओटे कोन नंबर ऑफ आवर्स, number of hours the machine or the asset is expected to run, means kete ghanta se machine chalibo, hours koi paro ba number of years madhyam koi paro, to ye hoche on the basis of time, on the basis of yela on the basis of units, on the basis of time मीन्स गोटे मेसीन केते घंटा पर्यंत चलो बा केते वर्ष चलो। फॉर एग्जांपल जो गोटे मुझे मेसीन किणुचे एवं मुझे एक्सपेक्ट करुचे मेसीन 10 इयर्स पर्यंत मेसीन यूज हो पार 10 इयर्स पर हो पारे से क्षेत्र में आम कह मेसीन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ बा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हूँ 10 इयर्स। ओके, सो दीटा वे रे मेसीन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कैलकुलेशन नहीं था कौन कहते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और वर्किंग लाइफ ऑन असेट मे बी आइदर द पीरियड ओवर व्हिच ए डेप्रिसिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। ओके, मींस आवर्स पर ईयर द पीरियड ओवर व्हिच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, मींस हमें केते वर्ष गोटे एसेट्स बा को समय पर्यंत गोटे एसेट्स को एक्सपेक्ट होछ यूज हो बोली। ओके, द पीरियड फर्स्ट होछ कोन ना द पीरियड ओवर व्हिच द पीरियड over which the asset is expected to be used, means हमें जो assets किनी चंदी से assets कितने वर्ष पर्यंत कितने घंटा पर्यंत expect कर चुन जाएगा एक घंटे ये assets का use ही पड़ेगा। मुझे मतलब एग्जांपल देने जब हम उनके एसेट्स कौन से देखो एक्सपेक्ट कौन से देखो एसेट 10 इयर्स परसेंट तक काम करी बताए पर काम करी बोले तो एक्सपेक्टेड लाइफ है गला 10 इयर्स। ओके, सही बोला जब उनके एसेट्स कौन से देखो एक्सपेक्ट कौन से देखो एसेट्स 1 लाख आवर्स लाख घंटा परसेंट ये एसेट्स रन करी हो बा यूज ही करी हो लाख घंटा यूज ही सर लाख परे ये एसेट्स हो यूज ही करी हो, तो 1 लाख आवर्स है गला एक्सपेक्टेड और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स यूज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सेकंड कौन कौन जी ये रहा फर्स्ट, सेकंड कौन जी द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेंड फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेंड फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट, फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट एसेट को यूज करिकी आमे केते यूनिट्स सेथुरु प्रोडक्शन करि पाइबा केते करि पाइबा एक्सपेक्ट करछु। ओके, द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन माने केते यूनिट्स आमे प्रोडक्शन करि पाइबे से एसेट्स को यूज करिकी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। जेंदि म एग्जांपल कहथिली जदी गोटे एसेट्स आमे किनुछु तिकम से एसेट्स रो
आसेट्स रो हम एक्सपेक्ट करछन जे आधुर हम 2 लाख यूनिट्स पर्यंत प्रोडक्शन कर परबा 2 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन हिसाला पर से एसेट्स आउ यूज हे परबो नै तले से क्षेत्र रे हम कहबा 2 लाख यूनिट्स इज द एक्सपेक्टेड और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट मींस अप टू 2 लाख यूनिट्स हम आधुर प्रोडक्शन कर परबा ओके सो वर्किंग लाइफ और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज कैलकुलेटेड और इज डिटरमाइंड इन दिस वे इन एनी ऑफ द एनी वन ऑफ द वे मींस ए वे रे परबो बा ए वे रे मतलब कैलकुलेशन हे जाय ओके द एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ द असेट में भी मेजर आइदर इन टर्म्स ऑफ इयर्स इयर्स रही पारे मंथ रही पारे डेज रही पारे आवर्स रही पारे आउटपुट मींस यूनिट बा वेट रही पारे और किलोमीटर भी रही पारे मींस फॉर एग्जांपल ओटे गाड़ी हमें कहूँ एवं एक्सपेक्ट कर गाड़ी 5 लाख किलोमीटर पर्यंत जा 5 लाख किलोमीटर पर गाड़ी मीनस जो दिन आम 5 लाख किलोमीटर पूरण हो ओके से गाड़ी आउ चलो ना से गाड़ी कौन से कार्य लगे ना सो से क्षेत्र में कहवा दैट इज द वर्किंग लाइफ और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट क्लियर तो ये होगा एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ इट इज अनदर फैक्टर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन देन थर्ड इज क्लियर देन थर्ड इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू Estimated scrap value or residual value कोई बारा और salvage value means वोटे assets को तारा working life परे after its working life आमे से असेट्स को डिस्पोज करी सेल करी एक्सचेंज करी कौन से नुआ असेट्स द्वारा जेती की रियलाइज करबा जेती की पैसा आमे रियलाइज कर परबा जेती की टका रियलाइज करबा दैट अमाउंट इज कॉल्ड द स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू फॉर एग्जांपल मु जदी ओटे गाड़ी किनु छी 50,000 लेकी ओटे मोटर बाइक किनु छी 50,000 लेकी एवं तर एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ सपोज से गाड़ी रो एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ इज 10 इयर्स दैट मींस 10 वर्ष परे से एसेट्स बा से गाड़ी आउ यूज नहीं परबो ओके तले 10 वर्ष परे से जो गाड़ी गाड़ी तो पूरा पूरा तो ये जे नथो ना भने से तो माने बिल्कुल किछ नथिबो किछ पास तो दे थिबो 10 वर्ष परे से गाड़ी रो जहा थिबो से अंश को जत हम अवशिष्ट अंश को तने बिक्री करिबा बा डिस्पोज करिया सेल करिया एक्सचेंज करिबा सपोज से गाड़ी रो एक्सपेक्ट करू जी जे आफ्टर 10 इयर्स 10 वर्ष यूज कर साला परे मु से बाइक को जदी बिकू छी तर मते 5000 टका मिलिबो दैट इज एन अनएस्टिमेटेड बेसिस तल दैट 5000 इज द स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू और सर्विस क्लियर गाड़ी किनथिलि 50000 टका रे गाड़ी रे एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ होची 10 इयर्स बा वर्किंग लाइफ 10 इयर्स मो एबे एस्टिमेट करू छी जे आफ्टर 10 इयर्स 10 वर्ष यूज कर सल्ला पर कैन आउट तो तापर गाड़ी यूज हे परबो तो सेत बळे मु से गाड़ी को जदी बिके बा से गाड़ी को जदी अन्य गोटे नुवा गाड़ी से एक्सचेंज कराए बा डिस्पोज कराए कोनसी प्रकार रे तार मते 5000 टका मिलिबो हला गोटा कदी कबाड़ी वाला को बिकी देले मु लुहा रेट रे मिलि दो 5000 टका मिलला सो दैट 5000 इज द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू और सालवेज वैल्यू ऑफ द एसेट क्लियर तो ये ला एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ एटी क्वेश्चन अराइज हला सर हमें 10 वर्ष पूर्व जदि से एसेट्स को बिकी दबा वर्किंग लाइफ पूर्व जदि से एसेट्स को बिकीबा सेथुर जो पैसा रियलाइज होबो ताकू हमें स्क्रैप वैल्यू कहि परबा कि नो वर्किंग लाइफ पूर्व जदि कोन से एसेट्स को हमें बिकु चंती माने 10 वर्ष जदि एठी वर्किंग लाइफ हला एवं 10 वर्ष पूर्व से एसेट्स को हमें बिकी दो चंती से जो अमाउंट हमें रियलाइज करबा बिकी की दैट इज नॉट स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के तोले थे ना आफ्टर द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ एसेट्स रो वर्किंग लाइफ सॉरी गला परे जे तोले से एसेट्स को हमें बिक्री कर चंती सेतबेले जो वैल्यू हमर रियलाइज होबो बोली हम एस्टिमेट कर चंती एक्सपेक्ट कर चंती ताकु ही स्क्रैप वैल्यू कहते हैं क्लियर एटा तो दैट इज द स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू और सालवेज वैल्यू ये इज थर्ड फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फोर्थ इज प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स
प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स कौन मीन्स जदि आम कौन आसेट्स को कौन आसेट्स फिक्स्ड आसेट्स को आम रेगुलरली रिपेयर करछंती मेंटेन करछंती ताले से क्षेत्र से आसेट्स गुड कंडीशन में थाए भलो कंडीशन में थाए तार यूजफुल लाइफ साधारणतः अधिका रहिथाय। बट जब आम मिस हैंडलिंग बैड हैंडलिंग कर ठीक भाव में रिपेयर करना मेंटेनेंस करना से क्षेत्र तर यूजफुल लाइफ कमी जाए। ओके एंड यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ बाय यूजफुल लाइफ इज ए वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जेहतु ये गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर एवं प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल एस्टिमेटेड लाइफ को अफेक्ट करता है प्रभावित करता है। जदि आम ठीक समय रिपेयर रिन्यूअल मेंटेनेंस कर एसेट्स को देन एसेट्स एस्टिमेटेड लाइफ जो अच्छी दैट विल बी गुड और गुड कंडीशन में रहा एसेट्स। जदि आम ठीक से रिपेयर रिन्यूअल करना तर एस्टिमेटेड लाइफ जहाँ तर वर्किंग लाइफ अच्छी कौन हम कमी जो। ओके सो जेहेतु यहाँ अफेक्ट कर इट इज ए वेरी गुड इंपोर्टेंट और इट इज वेरी इंपोर्टेंट कन्सीडरेसन फर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सो इट इज ऑल्सो ए फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके देन लीगल प्रोविजन्स देख आम विभिन्न प्रकार आईनगत प्रोविजन्स अच्छे साधारण दि प्रकार प्रोविजन्स अच्छी डेप्रिसिएशन गोटे हूँ कंपानीज आक्ट अंडर किसी प्रोविजन्स अच्छी फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इनकम टैक्स आक्ट अनुसार आम जो मेथड्स अच्छे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने जो आगे जाए पढ़ा स्ट्रेट लाइन मेथड गोटे अच्छी दैट इज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड। स्ट्रेट लाइन मेथड रे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करि परिबा नै इनकम टैक्स एक्ट अंडर रे बट हमें कंपनीज एक्ट अंडर करि परिबा से बले कंपनीज एक्ट अंडर रे गोटे एसेट्स ऊपर जो डेप्रिसिएशन रेट थाए 10% 5% 15% 20% आर रेट डिफर करे। दैट मीनस आम जब कंपानीज आक्ट अंडर डेप्रिसिएशन कैलकुलेसन करें कंपानीज आक्ट जहाँ लीगल प्रोविजन्स अच्छी कनसीडर करवा से इनकम टैक्स आक्ट अंडर डेप्रिसिएशन कैलकुलेसन कर इनकम टैक्स आक्ट जहाँ लीगल प्रोविजन्स अच्छी कनसीडर करवा सो जहाँ जहाँ लीगल प्रोविजन्स अच्छी से कंपानीज आक्ट हो इनकम टैक्स आक्ट ताको कनसीडर कराई थे फर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इट इज अनदर इंपोर्टेंट फैक्टर। ओके एंड द लास्ट इज Addition to assets. Means जो asset हमें किनी थिले परे जब इसे asset रे आउ किसी add कर चुके जहाँ तरह किसे asset रे को extension कर चुके बस assets रे value बढ़ी हो ची। ओके जो asset किनी थिले से asset रे जल्दी परे किसी आड करछंती से एडिशन मध्ये कंसीडर कराइ थाए काहेकि ना जहाँ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हे थाए कैपिटल एक्सपेंडिचर एडिशन टू एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम फर्स्ट इयर पढ़ाई छी सो जहाँ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हे थाए ता पर मध्ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हे थाए। ओके सपोज मोटे एसेट किनी थी लाख डॉलर को दिन ना फर्स्ट एप्रिल उन्नीस गोटे आसेट मुझे 1 लाख। ओके पुणी फर्स्ट सेप्टेम्बर 2019 मुझे 50,000 रे आड कली जो आसेट्स किसी आड कली जहाँ फल कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हम से डेप्रिसिएशन आम पूरा 1.5 लाख ऊपर कैलकुलेशन हो फॉर एग्जांपल दैट मींस सपोज हम जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो 31 मार्च 2020 ताले लखे जो एसेट्स हम गिना है फर्स्ट एप्रिल से केते दिन यूज होला ना पूरा वर्ष यूज हो तो आपरे 12 मंथ्स रे डेप्रिसिएशन पड़ो ये केते दिन होला सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तापरे 7 मंथ्स रो डेप्रिसिएशन मींस जहां एडिशन होची तापर मध्य डेप्रिसिएशन पड़ो के ना जो दिन से आड है से दिन ठाकुर डेप्रिसिएशन पड़ो। ओके जो 31
मार्च 2020 रे अकाउंट्स क्लोज होची ताले हम पाखे कोन हो ना फर्स्ट अप्रैल 2019 रे लखे टका जोटा किना आइतला तापर पूरा 12 मास पडे कने पूरा 12 मास होई छी फर्स्ट सेप्टेम्बर जोटा किना आइतला से सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 मास होई ता आपन 7 मास डिप्रेशन ओके सो जहां भी एडिशन हे थे आसे को ताको मध्ये कंसीडर कराय थे फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन ओके नेक्स्ट देन आमे पढ़िबा बे किछि डेफिनेशंस बा आमे कहि परबा किछि टर्म्स अछि जोटा कि इंटरचेंजेबली यूज हे थाय माने गोटे बदला रे गोटे यूज हे सो इंपोर्टेंट टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इंटरचेंजेबली ता अदर बोथ इंपोर्टेंट एजेंस इन जो फैक्टर्स हमें पढ़ले इट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम रे प्राय ये क्वेश्चन आता है तुम व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन फैक्टर्स कॉजेस ये सब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन द फर्स्ट टर्म हला डिप्लेशन काले तुम को आइतला डिप्लेशन का बट डिप्लेशन को एसेट्स ऊपर चार्ज ओके एंड इट इज वेरी इंपोर्टेंट एंड प्रत्येक वर्ष प्राय परीक्षा रे क्वेश्चन आता है डिप्लेशन डिप्लेशन को आइतला जे डिप्लेशन वेस्टिंग एसेट्स ऊपर हे थे एटा तमे जानछो वेस्टिंग एसेट्स मींस माइंस क्वारीज ऑयल वेल ए सब जिनिस को बारंबार एक्सट्रैक्शन करबा द्वारा कंटीन्यूअसली एक्सट्रैक्शन माने उत्तोलन करबा द्वारा से एसेट्स बा वेस्टिंग एसेट्स रो जहां अवक्षय हे थे ता द्वारा से एसेट्स रो वैल्यू कमी थे बा तार वर्केबल क्वांटिटी कमी थे तो ए जो वर्केबल क्वांटिटी बा वैल्यू कमी थे ताको डिप्लेशन बोले ओके तो डिप्लेशन को होची ना वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस क्वारीज ऑयल वेल एटसेट्रा लूज देयर वैल्यू बिकॉज़ दे गेट एग्जॉस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन ओके डिप्लेशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वर्केबल क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और वेस्टिंग एसेट्स मेंस जहां हमर नेचुरल रिसोर्सेस जो प्राकृतिक संपद बा वेस्टिंग एसेट्स मध्ये प्राकृतिक जो हमर खनिज द्रव्य होची सो प्राकृतिक संपद तो आको आर जो वर्केबल क्वांटिटी रिडक्शन नहीं थे कमी थे हला ड्यू टू कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन बारंबार उत्तोलन करबा द्वारा ताको डिप्लेशन कहा जाए फॉर एग्जांपल ए माइन गेट्स एग्जॉस्टेड व्हेन द मिनरल कंटेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड गोटे माइन्स रे जहाँ मिनरल कंटेंट्स अछि गोटे खनि रे मिनरल कोन कोन थाई पारे आयरन हेई पारे बॉक्साइट हेई पारे विभिन्न प्रकार तम एल्युमिनियम हेई पारे विभिन्न प्रकार मिनरल थाए खनि रे त हमे से त से मिनरल को एक्सट्रैक्शन करचन त से खनि रो वर्केबल क्वांटिटी आस्ते आस्ते कमी कमी जाइथे जा फिर कि से तार वैल्यू मध्यम कम जा फिर कि कमी थाए ओके सो ए प्रकार जो वैल्यू कमी थाए बा एक्सट्रैक्शन कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन करबा द्वारा जो वर्केबल क्वांटिटी रिडक्शन हे थाए ताको डिप्लेशन कहै छै वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिप्लेशन फर्स्ट रिमेंबर इट इज ऑन द वेस्टिंग एसेट इज चार्ज ऑन द वेस्टिंग एसेट्स मींस माइंस क्वारीज ऑयल वेल ओके एटसेट्रा एंड डिप्लेशन केतो बेले हे थाए ना जतो बेले आमे कोनसी नेचुरल रिसोर्सेस को बा वेस्टिंग एसेट्स को कंटीन्यूअसली बारंबार एक्सट्रैक्शन करथौ तो जा ता फ्लर तार जो वर्केबल क्वांटिटी अछि बा जो अवक्षय हेते ताको डिप्लेशन कह जाए क्लियर देन नेक्स्ट इज अमोर्टाइजेशन होची कोन ना अमोर्टाइजेशन साधारण तो इंटेंजिबल एसेट्स ऊपर हेते इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क गुडविल लाइसेंस जहां सब तुम इंटेंजिबल एसेट्स अछि ता पर साधारण तो अमोर्टाइजेशन हेते पण इंटेंजिबल एसेट्स तुम ऑलरेडी जानि छ सो इटिक द अमोर्टाइजेशन अर्थ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स सच एज गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट एटसेट्रा इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन द प्रोसेस ऑफ A writing off. Of a writing off intangible assets. Intangible fixed assets. Okay, the process of writing off intangible assets like goodwill patent,
से प्रोसेस को अमोर्टाइजेशन कहते मीन जो प्रोसेस द्वारा आम इंटेंजिबल आसेट्स को राइट ऑफ करते फॉर एग्जांपल मोर जो गुडविल वैल्यू थी लक्षे टाँचा एवं मुझे राइट ऑफ कर सपोज गुडविल लाइफ टाइम जहाँ भी तुम इंटेंजिबल आसेट्स फॉर एग्जांपल कुछ पैटेंट्स कल जो तुमको कहला पैटेंट्स पैटेंट्स मोर थी 10,000 और तार लाइफ हूँ सपोज 10 years दैट मीन्स मुझे प्रत्येक वर्ष 1,000 लेखा कौन करी राइट ऑफ करी फर्स्ट ईयर 1,000 राइट ऑफ करी पुणी सेकेंड ईयर 1,000 राइट ऑफ करी एभिया मुझे 10 years पर्यंत राइट ऑफ करी ओके सो जो प्रोसेस इंटेंजिबल आसेट्स को राइट ऑफ कराई था मीन से हटा ही था ओके से प्रोसेस को कहा जाए अमोर्टाइजेशन को रिमेंबर जे अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ऊपर चाहे क्लियर देन इज कॉल्ड डिलैपिडेशन डिलैपिडेशन कतला रह जे थे ना कोनसी बिल्डिंग बा प्रॉपर्टी जदी हम का को भड़ा करे दो जंती टेनेंट टेनेंट जा को भड़ा देते टेनेंट को देते तो ड्यूरिंग टेनेंसी पीरियड से बिल्डिंग बा प्रॉपर्टी जहां डैमेज है थे तब को जे डिलैपिडेशन मींस भड़ा करे तो हम का दो जंती तो से जे भड़ा नहीं जे से किछ 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 डैमेज करता है के कोनी घंटा बडेलानी गोडी तको कांथरे को लगेलानी तो आ द्वारा जो हमर बिल्डिंग बा प्रॉपर्टी डैमेज है थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेनेंसी टेनेंसी माने भड़ा दबा समय रे बा बड़ा जते दिन पर्यंत दिया है थो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेनेंसी से समय रे जो बिल्डिंग बा प्रॉपर्टी डैमेज है तक तो डिलैपिडेशन कहते टर्म डिलैपिडेशन रेफर्स टू द डैमेज डन टू ए बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इन द और ड्यूरिंग टेनेंसी ओके देन ऑब्सोलेंस ये इट इज वेरी इंपोर्टेंट एवं कल तुम को हाई थला ऑब्सोलेंस ऑब्सोलेंस को हाई थला जे जते बड़े कोनसी जिंस ता कोनसी एसेट आउटडेटेड है आउटडेटेड मीन्स तार चाहिदा कम जाए मार्केट रे लोक यूज करना से आसेट्स ऑब्सोलेट कहते मीन आसेट ऑब्सोलेट मीन्स आसेट यूजफुल है ना तो ऑब्सोलेट हो फिर आसेट मूल्य कमी थे कल एग्जांपल तुमको कही तो ये ऑब्सोलेंस केतराइज होते कौन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कौन प्रकार नुआ आसेट इनभेनसन होता है मीनस आविष्कार होता है तले से क्षेत्र में पुराना आसेट्स पुराना टेक्नोलॉजी जो आसेट्स थी से गुड़ा ऑब्सोलेट हो जाए ओके कल कहला टाइपराइटर और कंप्यूटर विषय कहला सेकेंड थिंग नोकिया और सैमसंग मोबाइल कहला नोकिया मोबाइल और सैमसंग मोबाइल नोकिया दिन थी बहुत कॉस्टली मोबाइल बहुत तार डिमांड मोबाइल बहुत बिक्री होता बट सैमसंग जो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कला से क्षेत्र में कौन है नुआ एडवांस टेक्नोलॉजी आना नोकिया मार्केट रु हटिगला आस्ते 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 ऑब्सोलेट ओके सो आपको कह जाए ऑब्सोलेंस सो कुछ व्हेन सम एसेट्स बिकम आउट ऑफ डेट और इट गोज आउट ऑफ यूज आउट ऑफ डेट हेगला बा आउट ऑफ यूज हेगला ड्यू टू न्यू और इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन नुआ बा इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी द्वारा बा इन्वेंशंस द्वारा दिस इज रेफर्ड टू एज ऑब्सोलेंस ताको ऑब्सोलेंस कहते हैं इन अदर वर्ड्स ऑब्सोलेंस रिप्रेजेंट्स लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स बिकमिंग ऑब्सोलेट मीन्स गोटे आसेट ऑब्सोलेट हवा द्वारा से आसेट्स जहाँ लॉस होता है ऑब्सोलेंस कह जाए और आउट ऑफ डेट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और मार्केट चेंजेस मार्केट रे लोकों को जो प्रोडक्ट उपर डिमांड थी से प्रोडक्ट उपर डिमांड रही अलग प्रोडक्ट नुआ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आसला न्यू टेक्नोलॉजी नुआ इनभेनसन हो प्रोडक्ट आसला तो लोक चाहिदा ताकू गला गला जा द्वारा जो आसेट्स आम आगे किनुले जो आसेट्स डिमांड था से आसेट्स डिमांड कमीगला ओके तो डिमांड कमीगला मैं भाग कमीज तो ये तुम ऑब्सोलेंस सो ऑब्सोलेंस ने भी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स को फैक्टर साधारण ऑब्सोलेंस चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो सपोज जो मेथड आम प्रोडक्शन करुले एवं आम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन करवा पुराना जो मेथड आम यूज करते प्रोडक्शन करने से चेंज कर एडवांस टेक्नोलॉजी आसे पुराना मेथड कौन होगा ऑब्सोलेट होगा मीन्स आउटडेटेड होगा आउट ऑफ यूज होगा से पुराना मेथड कौन हो तार वैल्यू कमी गला ओके सो चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज ए फैक्टर फॉर ऑब्सोलेंस चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन जो प्रकार डिजाइन क्या लोक डिजाइन चेंज होता है फैशन लोक मान जो फैशन से चेंज होता है आज जो डिजाइन चलती
से ड्रेस मटेरियल ठार आरंभ कर जहाँ भी जिनस तुम यूज कर तो जो डिजाइन चलती कल से डिजाइन पुराणा हो जाए लोक से डिजाइन को पसंद करते ओके तो चेंज इन डिमांड चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन जब किसी चेंज हो जाए तो पुराना डिजाइन ऑब्सोलेट हो जाए आउटडेटेड हो जाए तो क्षेत्र में पुराना डिजाइन वैल्यू कम जाए सो दैट इज ए फैक्टर फॉर ऑब्सोलेंस देन चेंज इन मॉडल मॉडल मध्य चेंज थे गाड़ी देखो बाइक आसार आभिन्न नुआ नुआ मॉडल आसा नुआ मॉडल आसा मॉडल से ऑब्सोलेट हो सेकंड लास्ट को चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्टर डिमांड जो चेंज होता है मीनस लोकर जो प्रोडक्ट उपर डिमांड अच्छी से प्रोडक्ट उपर डिमांड कमी अन्य प्रोडक्ट उपर डिमांड होता है से पुराना प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो जाए सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर ऑब्सोलेंस यही कारण साधारण ऑब्सोलेंस होता है देन लास्ट इज फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन कौन ना असेट्स रो मूल्य अफवर्ड बा डाउनवर्ड वेरिएशन होता है ओके तार मार्केट प्राइस असेट्स रो मार्केट प्राइस माने बजार मूल्य अफ एंड डाउन होता है केतले बढ़ी जाए तो केतले कमी जाए सेटा कहां पर डिमांड डिपेंड करता है ना डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई मीन्स जो गोटे प्रोडक्ट रो मार्केट रे डिमांड अधिका थाए गोटे प्रोडक्ट रो मार्केट रे डिमांड अधिका थाए से तो गोटे से प्रोडक्ट रो वैल्यू अधिका थाए गोटे प्रोडक्ट जो सप्लाय कम थाए से सप्लाय कम अच्छे डिमांड बहुत अधिक अच्छे प्रोडक्ट वैल्यू बहुत अधिक थाए गोटे प्रोडक्ट सप्लाय बहुत अधिक डिमांड बहुत अधिक सप्लाय अच्छे से क्षेत्र तार वैल्यू कमी थाए ओके तो यहाँ डिपेंड करता है कितने सप्लाय जो जो समय सप्लाय अधिक थी से प्रोडक्ट से समय प्रोडक्ट डिमांड कमी थी जो समय सप्लाय कम थी प्रोडक्ट वैल्यू को बढ़ी थोड़ा डिमांड अधिक थी प्रोडक्टर वैल्यू बढ़ी थी ओके सो ये जो टेम्पोरारी अफ एंड डाउन के अफवर्ड मार्केट प्राइस बढ़ी जाए के डाउन टेम्पोरारी सब बढ़ की रही सब कमी की रही मार्केट प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई मध्य सब समान न था कतल डिमांड बढ़ी था कतल डिमांड कमी था कतल सप्लाई बढ़ी था कतल सप्लाई कमी था तो डिमांड बढ़ला तो वैल्यू बढ़ला तो से मार्केट प्राइस बढ़ीगला डिमांड कमीला तो वैल्यू कमीला मार्केट प्राइस कमीगला तो फ्लक्चुएसन हो टेम्पोरारी वेरिएशन इन द मार्केट प्राइस अफवर्ड बा डाउनवर्ड चेंज होता है वेरिएशन होता है वेरिएशन अर्थ हो चेंज ताको कहते फ्लक्चुएसन एंड रिमेम्बर फ्लक्चुएसन डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन कला बेले डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कला बेले आम फ्लक्चुएसन को कन्सीडर कर जो प्रोडक्ट जो असेट्स मूल्य टेम्पोरारी अफ एंड डाउन होता है बढ़ी थाए कमी थाए ओके मार्केट प्राइस ताको कंसीडर करा जाई न था ओके तो फ्लक्चुएसन इज ए टेम्पोरारी अफवर्ड और डाउनवर्ड वेरिएशन इन द मार्केट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन अकाउंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ मार्केट मेकानिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएसन इन द मार्केट प्राइस इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कला बेले आपको कंसीडर करा जाए ना था बिकज डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड विथ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट आम डेप्रिसिएशन सब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पकड़ ओके आम फास्ट भी पढ़ते पढ़ुते कौ फैक्टर्स आम कनसीडर कर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कला से गोटे फैक्टर था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट आसेट्र कॉस्ट के किणा मूल्य प्लस इनस्टल कला पर्यटन जहाँ खर्च प्लस तरह ट्रायल रन ये सब खर्च को मिसेल ओरिजिनल कॉस्ट होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है कनसीडर कर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने तेणुक जो आसेट्स मझे अफ एंड डाउन होता है टेम्पोरारी कनसीडर कर सो फ्लक्चुएसन को कनसीडर कर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ओके सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स विच आर यूज इन डेप्रिसिएशन ओके और इंटरचेंजेबली यूज क्लियर ओके देन नेक्स्ट पढ़े हमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग और प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन मेथड्स ऑफ चार्जिंग और प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ओके मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड प्रोवाइडिंग
डेप्रिसिएशन। तो विभिन्न प्रकार मेथड अच्छी डेप्रिसिएशन चार्ज करने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर। बट तुम प्लस टू लेवल दुटा इंपोर्टेंट मेथड्स अच्छी जहाँ तुम सिलेबस अच्छी गोटे हूँ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जहाँ स्ट्रिक्ट लाइन मेथड कही था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं आउ गोटे हूँ रिटेन डाउन वैल्यू मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ओके मीन्स तुम सिलेबस दुटा मेथड दे इट इज वेरी इंपोर्टेंट मेथड दुटा ओके सो देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग और प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बट मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स आर द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड और इट इज कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और इट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एंड द सेकेंड मेथड इज रिटेन डाउन वैल्यू मेथड और इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके सो ये दो प्रकार मोस्टली मोस्ट कॉमन मेथड्स जो यूज होता है फॉर चार्जिंग और प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड बाद फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह जाए बाद ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह जाए एंड द सेकंड मेथड इज रिटेन डाउन वैल्यू मेथड बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह जाए बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मध्य क्लियर। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा स्ट्रेट लाइन मेथड बा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बा ओरिजिनल कॉस्ट बा स्ट्रेट लाइन मेथड रे गोटे फिक्स्ड प्रोपोर्शन बा अमाउंट रो डेप्रिसिएशन प्रत्येक वर्ष चार्ज होता है ओके ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ईच ईयर ऑन द एसेट्स सो दैट द वैल्यू ऑफ द एसेट्स आर बी रिड्यूस्ड टू जीरो एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ जहाँ फल कि आसेट्स रैल्यू तार यूजफुल लाइफ सर बेलू जीरो गोटे एग्जाम्पल तुम कौन फर एग्जाम्पल मुझे गोटे आसेट्स किणिली 50,000 ओके एवं तर एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ हूँ फाइव इयर्स ओके मीन्स पांच वर्ष पर्यंत से आसेट्स काम कर आसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट हो गला 50,000 तो किसी 50,000 तो कॉस्ट हो गला 50,000 ओके तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है से डेप्रिसिएशन गोटे फिक्स्ड पर्सन होता है एवं मुझे कहे आनुआल डेप्रिसिएशन के वर्ष को डेप्रिसिएशन तुम के पड़ा डेफ्री मोर वर्ष को आसेट्स मूल्य के कमी जदि मोर वर्ष पांच वर्ष हूँ तार लाइफ दैट मीन्स पांच वर्ष पर आसेट्स जीरो हो जाए मूल्य दैट मीन्स वर्ष को मोर 10,000 टाइम डेप्रिसिएशन पड़ा प्रत्येक वर्ष 10,000 टाइम पड़ा मीन्स जो किसी आसेट्स को आसेट्स मूल्य 50,000 था तो फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष मुझे डेप्रिसिएशन पकेली ना डेप्रिसिएशन मुझे पकेली 10,000 रहा के 40,000 पुणी सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन के पकेली सेकेंड ईयर पुणी 10,000 रहा 30,000 पुणी थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन है 10,000 रहा 20,000 पुणी फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन है 10,000 रहा आउ 10,000 एवं फिफ्थ ईयर जो डेप्रिसिएशन पकेली एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ एबे तार मूल्य के दले मैं जीरो लेट्स बिकम जीरो ओके दैट मीन्स आफ्टर फाइव इयर्स द वैल्यू ऑफ एसेट इज रिड्यूस्ड टू जीरो और बिकम्स जीरो
सो एठी आमे कोन देखले ना स्ट्रेट लाइन मेथड रे फिक्स्ड पोर्शन नो डेप्रिसिएशन चार्ज होची प्रत्येक वर्ष प्रथम वर्ष भी 10000 सेकंड ईयर भी 10000 थर्ड ईयर 10000 फोर्थ ईयर 10000 फिफ्थ ईयर 10000 प्रत्येक वर्ष आमे फिक्स्ड पोर्शन नो डेप्रिसिएशन चार्ज करू छी क्लियर एवं At the end of its working life, 5 years before, the value of the asset is reduced to zero. Okay, so straight line method, but fixed instrument method, now under this method, a fixed proportion of the original cost of the asset, less residual value, jodi kichi thai, and scrap value, jodi kichi thai, taku bhi minus kara hobo. To a method re kon jodi fixed portion, of the original cost of the asset original cost ro got a fixed portion write off hochi each year mane ame se assets ro hote hote jochu pratyek barsha ebam se jo amount hota hochi ba write off hochi that is a fixed portion fixed mane constant hochi pratyek barsha so that the asset account may be reduced to its residual value or zero at the end of its useful life ja phalare ki se assets either zero re pahunch paribo ba it may be reduced to its residual value it is residual value nathila temporary at the end of 5 years assets zero hela for example ei question ba ei example le mu ke bhi scrap value hochi scrap value tumo koyachi at the end of working life jo assets tumo jo bikki thau ba tumo dispose kari ko exchange kari jo paisa miliba ko estimate kartho milibo bol ta scrap value फॉर एग्जांपल हमर स्क्रैप वैल्यू हो जो सपोज किने थिले 50000 आज 5000 ओके स्क्रैप वैल्यू लेगला 5000 तला मते को 5 वर्ष मोर केते डेप्रिसिएशन पुना टोटल डेप्रिसिएशन किने थिले 5000 टका रे एवं 5 वर्ष पर वर्किंग लाइफ एंड ना पर मते तो पाइले केते 5000 पाइ That means more total depreciation padila pura 5 years re 45000 means it is the total loss in the value of asset during the period of 5 years pura 5 years bhitare mor assets ro value kete loss hala 45000 kana kini thili 50000 taka re ebong sutru 5000 taka mu recovery kar dichi at the end of its working life tako biki pai gali that means more total loss hala 45000 tale barsha ko kete loss hala tale annual loss ba annual लॉस जो है ना वैल्यू ऑफ एसेट्स पर हम तो डेप्रिसिएशन को चंद कोई कोई तो जो डेफिस जो एसेट्स का वैल्यू कमी था सो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है ना 45000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9000 मींस हमर वर्ष को डेप्रिसिएशन हैला 9000 तले ए क्षेत्र हमर प्रथम वर्ष कॉस्ट केतना एसेट्स रो 50000 एबे प्रथम वर्ष मोर डेप्रिसिएशन केते पड़ला ना 9000 फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होला 9000 ओके आउर होला केते ना 41000 सेबला लेस ओवर सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन केते होला 9000 फिक्स्ड पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन वर्ष को मोर पर 9000 टका डेप्रिसिएशन करूची ओके केते रहना 32000 पुनी लेस होला थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन केते पुनी 9000 देन 23000 पुनी लेस हो फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन केते 9000 देन 14000 एंड द लास्ट इज फिफ्थ ईयर एंड 5 वर्ष उत्तर वर्किंग लाइफ ओके तले फिफ्थ ईयर डेप्रिसिएशन केते ला 9000 प्रत्येक वर्ष 9000 रहला केते 5000 दैट मींस जो कि स्क्रैप वैल्यू था बा रेसिडुअल वैल्यू था तले से क्षेत्र रे कोन है ना द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस्ड टू इट्स स्क्रैप वैल्यू सो स्क्रैप वैल्यू को रिड्यूस हो जाता है but it is scrap value nathla so it is reduced to zero okay so buji straight line method hochi kono na under this method a fixed portion of the original cost of the asset is written off each year but a fixed portion pratyek barsha write off eta 10000 10000 10000 ba ek khetre residual value hochi 9000 am write off hala hala so that the value or the value of the asset shall be reduced to either zero or to its residual value either zero ko reduce hai paribo ba tar residual value ko reduce hai parchi okay then ame padhiya pare features of straight line method ro ba original cost method ro features kon what are the features different features the first ko ji
आपको मन रख बहुत इम्पोर्टेंट जिन फीचर्स फास्ट आम कौन जान ले ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का स्ट्रेट लाइन मेथड रे जो डेप्रिसिएशन पड़ थाए से असेट्स रो ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर चार्ज हैला दैट मींस मुझे जो असेट्स 50,000 किनुची ओके एवं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन है देछि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% ताले ओरिजिनल कॉस्ट मेथड रे मो प्रत्येक वर्ष रो एनुअल डेप्रिसिएशन हे जीवो 5,000 है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट 5,000 इनटू 10% दैट इज 500 प्रत्येक वर्ष मोर 5,500 लेखा डेप्रिसिएशन पड़ो दैट मींस एसेट्स 10 वर्ष पर प्रथम वर्ष 500 एम 10 वर्ष पर एसेट्स मूल्य जीवन ओके तो फर्स्ट फीचर हैला अंडर दिस मेथड the depreciation is calculated or the rate of depreciation is charged on the original cost of the asset okay so first hala depreciation is calculated on the original cost of the assets asset ro original cost upar padi thai okay फर एग्जांपल मुझे 50,000 टंकार गोटे आसेट किणुची कॉस्ट हला 50,000 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सपोज 10% तार मोर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन केते पडिबो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होबो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट माने 5,000 रहिला केते एबे 45,000 डेप्रिसिएशन पडि सला पय सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन पकेनी ताले मु से जो 10% चार्ज कहां पर करबे 45 ना 50 ना रिस्ट्रेट लाइन मेथड कहउची जे एठी हमें ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करबा नॉट ऑन द रिटेन अक्रेडिट ऑन हेल्प करे मींस कॉस्ट डेप्रिसिएशन माइनस हला पर जो भर थबे बुक वैल्यू पर रिटेन डाउन करतो बुक वैल्यू मध्ये पाइ थाय ता पर चार्ज न की कहां पर पड़थाय ना ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर पड़थाय मींस से 5000 50000 10% मींस 5000 40,000 ओके एबे मु थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करबी 10% कना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% दिछि ये मन से ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर कैलकुलेशन माने 50,000 पर कैलकुलेशन माने 5,000 मींस एई भलिया प्रत्येक वर्ष ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हे हे ओके सो ये हला फर्स्ट फीचर जे ए मेथड रे बा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड रे स्ट्रेट लाइन मेथड रे डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट क्लियर सेकंड कुछ अंडर दिस मेथड एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर एबे जो एग्जांपल दे दिस तमे देखलो जे ए मेथड रे कोन होची ना प्रत्येक वर्ष इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन करची प्रथम वर्ष 5000 पडला सेकंड ईयर मध्ये 5000 लास्ट थर्ड ईयर मध्ये 5000 एई भले जते वर्ष पर्यंत हमर असेट्स वर्किंग लाइफ अछि से पर्यंत हमें 5000 डेप्रिसिएशन पकेय पके जाते जे मींस सेठी इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन करची That is the amount and rate of depreciation. प्रत्येक वर्ष example देखते हैं example प्रत्येक वर्ष depreciation के दिला ना amount थिला 5,000 एवं प्रत्येक वर्ष rate of depreciation मतलब 10% थिला means प्रत्येक वर्ष जो amount of depreciation आते rate of depreciation remains constant change ही नहीं okay first the second feature है ना under this method the amount of depreciation the rate of depreciation remains constant every year till the end of its working life तर working life सोला In other words, at the end of its life, the value of asset is reduced to zero or scrap. Means, I'm going to say, A method, the original cost method, the straight line method, at the end of its working life, the value of asset is either reduced to zero or scrap. Okay? So, I'm going to give you an example.
ओके दुटा एक्जामपल देखी जो जीरो होता आउ गोटे एक्जामपल देखी जो तुम रेसीडुआल वैल्यू 5000 आस नाइन थाउजेंड टाइम डेफिनेशन कर ओके सो ए क्षेत्र में कौन है ना द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ द वैल्यू ऑफ एसेट इज आइदर रिड्यूस टू जीरो और स्क्रैप वैल्यू यदि स्क्रैप वैल्यू नहीं तो जीरो हो जाए यदि स्क्रैप वैल्यू अच्छी जितनी स्क्रैप वैल्यू थी से रिड्यूस ओके एंड द लास्ट इज दिस मेथड इज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड इज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फुली रिकॉग्नाइज कर ना क्लियर सो दीज आर द फीचर्स विच आर जो थ्योरी करंट प्रॉब्लम पावर पड़े करंट ठीक अच्छे तो आम कौन कर फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड तो ये फीचर्स फर्स्ट टाइम करते अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन है सेकंड टाइम कौन करते ना अंडर दिस मेथड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ओके इज कांस्टेंट इज कांस्टेंट बा फिक्स है ईच ईयर प्रत्येक वर्ष अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट ओके जमीक आम सपोज कौन जब 50,000 टकर गोटे आसेट्स आम कि तरह रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हूँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हूँ 10% बात स्क्रैप एस्टिमेट वर्किंग लाइफ कौन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ हूँ सपोज 10 years आसेट दस वर्ष पर्यटन चलो आनुआल डेप्रिसिएशन के 50,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5,000 तो मोर वर्ष को डेप्रिसिएशन पड़ो 5,000 प्रत्येक वर्ष 10 years पर्यटन 5,000 लेखा डेप्रिसिएशन पड़ो जो आम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाहर करवा जो आम रेट के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन के आनुआल डेप्रिसिएशन ये आनुआल डेप्रिसिएशन 50,000 डिवाइडेड बाय 10 years इज 5,000 तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के 5,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 100 दैट इज 10% दैट मीन्स एटी हमें कौन जान लें जो प्रत्येक वर्ष हमारे डेप्रिसिएशन भी 5,000 रहेगा 5,000 डेप्रिसिएशन रहेगा ताले रेट मंथ से 10% रहेगा प्रत्येक वर्ष दैट मीन्स ए मेथड रे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहे ईच ईयर माने प्रत्येक वर्ष ओके थर्ड फीचर कौन कही थर्ड फीचर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड जे ए मेथड रे वा अंडर दिस मेथड द एसेट्स एट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ आइदर रिड्यूस टू जीरो और रिड्यूस टू इट्स स्क्रैप वैल्यू तार एग्जांपल मध्ये त मुद्दा आइथला जदि मोटे एसेट्स 50,000 किनुची एवं तार एस्टिमेटेड लाइफ होउ सपोज 10 इयर्स अगर 5 इयर्स ओके ताले से क्षेत्र रे मो प्रत्येक वर्ष 10,000 डेफिसिएशन बढ़ो एंड द एंड ऑफ 5 इयर्स मो टोटल डेफिसिएशन केते पड़तो ना 50,000 किनीतिरी 50,000 टका रे डेफिसिएशन बढ़ियाला 50,000 दैट मींस एट द एंड ऑफ 5 इयर्स तार वैल्यू केतिबो ना 0 मींस एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट्स यू एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ 5 वर्ष द एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ फॉर द एसेट्स मूल्य 0 होयला बट एग्जांपल होची जे हम किनीतिरे 50,000 टका रे तार लाइफ होची 5 इयर्स एवं तार स्क्रैप वैल्यू हूँ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हूँ सपोज 5,000 मीन्स जब आम 5 years पर से एसेट्स को बिकवा तो 5,000 मिल पाए ओके एवं कौन हो गला ना मोर मोर आनुआल डेफिनेशन के 9,000 ओके पूरा लॉस है मोर 45,000 एवं 5 years भीतर मोर 5 years पर्यंत टोटल मोर 45,000 लॉस है तो वर्षक मोर लस है कैसे ना 9,000 एवं मोर वर्ष को डेफिनेशन के पड़ो 9,000 5 years पर्यटन डेफिनेशन के पड़ो 45,000 50,000 माइनस डेफिनेशन 45,000 मीन्स एट द एंड ऑफ 5 years थी के 5,000 मीन्स ए मेथड रे एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ और वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट द वैल्यू ऑफ द एसेट आइदर रिड्यूस टू 0 और इट मे बी रिड्यूस टू द स्क्रैप वैल्यू
जदि स्क्रैप वैल्यू अछि त स्क्रैप वैल्यू पर्यंत रिड्यूस होबो जदि स्क्रैप वैल्यू नै देन इट विल बी रिड्यूस टू जीरो ओके यो जे थर्ड फीचर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द फोर्थ फीचर इज दिस मेथड इज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड यो जे थर्ड फीचर वाला रिड्यूस टू जीरो और इट्स स्क्रैप वैल्यू at the end of its working life okay for kochi not fully recognized by the income tax department by the income tax act income tax act under right straight line method is not fully recognized means could have recognized mainly means income tax act under right and the deficit calculation method straight line method use karibaiba okay so these are the features of straight line then the formula for calculation of depreciation or annual depreciation under straight line okay ko formula ame use karthau straight line method re depreciation ba annual depreciation barsu kamar kete depreciation hobo taku calculation okay so the formula for calculation of depreciation or annual depreciation formula for calculation of annual depreciation means amara barsu ko kete depreciation charge taku ame kemiti calculation kariba na annual depreciation formula kon na annual depreciation is equal to original cost of the asset minus estimated स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू और सर्वेज वैल्यू तुम जान डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट ओके तो ये होची एनुअल डेप्रिसिएशन द फॉर्मूला अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मीन्स एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ आम बिकी के पाई देन डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट ऑलरेडी तुम जान ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कौन फैक्टर्स पढ़ाला बेले बाद आज पढ़ाऊ तुमको व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन से तुमको आता ओरिजिनल कॉस्ट कौन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कौन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कौन ओरिजिनल कॉस्ट में जान असेट्स मूल्य प्लस असेट्स को इनस्टल कला पर्यंत पर्यंत जहाँ जहाँ खर्च होता है मानते जो जगह इनस्टल कर असेट्स को से जगह असेट्स को पहुंचे इनस्टल करने जहाँ खर्च प्लस ट्रायल रन करने जहाँ खर्च होता है सब खर्च को मिसाइल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू तुम जान मीन्स असेट्स वर्किंग लाइफ सरीगला आम के असेट्स को डिस्पोज कर ओके ताको कह जाए एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मीन्स एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ द अमाउंट दैट विल बी रियलाइज्ड जितकी टंका हमें रियलाइज करिबा ऑन द सेल और डिस्कार्ड और एक्सचेंज ऑफ द एसेट ओके देन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ जानचो जे एसेट्स रो वर्किंग लाइफ केते आइदर इन इयर्स रे हे पारे आवर्स रे हे पारे किलोमीटर हे पारे कोनो यूनिट्स यूनिट्स प्रोडक्शन वर्किंग वर्किंग लाइफ सो यूज एस्टिमेटेड ऑफ द एसेट सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर एग्जांपल मुझे गोटे एसेट्स को किणुची 75,000 ओके सो द कॉस्ट ऑफ द एसेट माने परचेस प्राइस ऑफ द एसेट परचेस प्राइस ऑफ द एसेट इज 75,000 एवं से असेट्स असेट्स को कैरेज बही आने खर्च कर सपोज 25,000 इंस्टॉलेशन खर्च होगी स्थापन करने इंस्टॉलेशन खर्च होगी फॉर एग्जांपल 15,000 एंड कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन कर देखुचे असेट ठीक अच्छे ना कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन सपोज हो ओके ताले ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कौन मैं सब कॉस्ट को मिसे तो कह ओरिजिनल कॉस्ट
एवं सपोज असेट्स रफ स्क्रैप वैल्यू होची स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 इयर्स और 5 इयर्स में होची एट द एंड ऑफ 5 इयर्स स्क्रैप वैल्यू होची केते ना सपोज रुपीस 20,000 दैट मींस 5 वर्ष पर मुझे से असेट्स को बिकी भी तले मते केते टका मिलबो ना 20 ओके तले एथुर हमें कोन जानले फर्स्ट हमर दरकार कोन हमर डिफ्यूजन कैलकुलेशन कर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट ओरिजिनल कॉस्ट कोन ना परचेस प्राइस ऑफ द एसेट प्लस एसेट्स को जो इंस्टॉल करा होय सेठी आनिया पय जा खर्च प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ टाइम ओके तो ये सब खर्च को मिसे देले हमर भरिबो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट तले की ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कते गेला 75000 प्लस 25 100000 150000 123020 तो ओरिजिनल कॉस्ट हे गेला ओरिजिनल कॉस्ट of the asset here 75,000 plus 25,000 plus 15,000 plus 5,000 means 120,000 how come there can estimate scrap value question goes is scrap value at the end of 5 years 5 years for scrap value 20,000 the estimated scrap value be amar hegala estimated scrap value hegala the salvage value hegala 20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ अच्छा स्क्रैप वाला हमर केतो होय थे वर्किंग लाइफ सरीला पर क्वेश्चन को छि कोन ना एट द एंड ऑफ 5 इयर्स स्क्रैप वैल्यू 20,000 तले एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ केते 5 वर्ष ओके तले एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ लेगला वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट लेगला 5 इयर्स तले हम यदि एथरे एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करिवे क्वेश्चन अनुसार तले व्हाट विल बी द एनुअल डेप्रिसिएशन Now, annual depreciation is equal to original cost of the asset that is 120,000 minus scrap value that is 20,000 divided by estimated working life that is 5 years. Okay, that means now it is the annual depreciation is 20,000. 120 minus 20, 1 lakh divided by 5 is equal to 20,000. So annual depreciation is 20,000. ओके बामे देखुचंती कोन अछि लखे 20000 टका हमर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट एवं 5 वर्ष पर बिकि के हम पाउचंती केते 20000 दैट मींस हमर टोटल 5 वर्ष रे लॉस केते होछ लखे टका तले वर्ष को लॉस केते होछ 5 वर्ष रे लखे 20000 टका हम किनिथिले एवं 5 वर्ष पर हम जदो बिकिबा पाइबा 20000 तले हमर प्रकृत रे लॉस केते हेला ना लखे टका लॉस हला खर्च करथु लखे 20000 बिकि पाइल 20000 तले प्रकृत रे मोर लॉस हला लखे टका एवं 5 वर्ष में मोर टोटल लॉस है लखे टका वर्ष के थे ओके ओके सो दैट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड क्लियर देन द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अंडर एनी मेथड फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन means more jati ki depreciation cost the rate kon what is the rate of depreciation amount of depreciation formula kon na amount of depreciation mo total depreciation means barsha ko mor kete tala depreciation ko chi divided by original cost of the asset original cost of the asset assets the original cost kete okay into 100 रेट वर्ड माने परसेंटेज रे भरिबो सो इट इज 100 परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सो इट इज इनटू 100 हबो तेन भागी भरिबो हमर कोन अमाउंट ऑफ सॉरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओके क्लियर नाउ ये हमर हमर फार्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड आमे केमिति डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करिया एवं आउ केमिति हमर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हबो ओके तो एबे किछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि से इंपोर्टेंट पॉइंट्स कुम दम खाइ खाइ कह दउ छी फास्ट आम जान ले स्ट्रेट लाइन मेथड बाद को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को आ जाए बाद को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को ओके तो को दे बैंक को स्ट्रेट लाइन मेथड को आ जाए फास्ट फॉर एग्जांपल फास्ट व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड ए मेथड का मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को आ जाए अच्छा मैं एग्जांपल गोटे दऊ छी जे असेट्स मु किनिथिली केते नगर ना 1 लाख रुपीस दे द असेट इज परचेस्ड फॉर रुपीस 1 लाख एस्टिमेटेड लाइफ केते ना 10 इयर्स
फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड लाइफ हो 10 इयर्स दैट मींस 10 वर्ष पर्यंत से एसेट हो तर मोर एनुअल डेप्रिसिएशन वर्ष को मोर केते डेप्रिसिएशन पड़िबो एनुअल डेप्रिसिएशन केते हो नाउ 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स दैट मींस 10,000 मोर प्रत्येक वर्ष स्ट्रेट लाइन मेथड मींस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट ईच ईयर जदि मु आपको दे ग्राफ रे लेखे बा आपको देखाए तले हो जे 0 मींस फॉर 0 राम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओके सपोज ये हो जे तुम्हारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एफर्ट हो जे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ये हो जे ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर ओके सेवेन्थ ईयर एइथ ईयर नाइन्थ ईयर टेन्थ ईयर मैं 10 वर्ष पर्यंत से कौन तार लाइफ ओके तार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर सेवेन्थ ईयर एइथ ईयर नाइन्थ ईयर एंड टेन्थ ईयर ओके तो स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रथम वर्ष के डेप्रिसिएशन अच्छा ये सपोज 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 क्लियर एबे कोन द फर्स्ट ईयर हमर डेप्रिसिएशन केते पड़ियो 10,000 ओके सेकंड ईयर 20,000 पड़ियो केना स्ट्रेट लाइन मेथड रे प्रत्येक वर्ष इक्वल अमाउंट रो जो डायरेक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहते अप टू 10 इयर्स मींस सेकंड ईयर भी 10,000 थर्ड ईयर भी 10,000 आर सीधा रहबो फोर्थ ईयर भी 10,000 फिफ्थ ईयर भी 10,000 एम रही सिक्स्थ ईयर भी 10,000 सेवेन्थ भी 10 एइथ भी 10 नाइन्थ भी 10 टेन्थ मीन्स आम जब या ग्राफ पेपर रे ड्र करवा गोटे स्ट्रेट लाइन हम पूरा सब गुड़ा 10,000 प्रथम वर्ष भी 10,000 एम गोटे स्ट्रेट लाइन हम ओके बंकी एक्चुअली बट एटा गोटे स्ट्रेट लाइन हम क्या ये 10,000 रहा ओके तो जेहेतु गोटे ग्राफ पेपर जब आम स्ट्रेट लाइन मेथड रे डेप्रिसिएशन को पुट कर ड्र कर गोटे स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती से स्ट्रेट लाइन मेथड मध्ये कहते हैं क्लियर सेकेंड कौन ना को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहीं कहते हैं सेकेंड को जब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहीं कहते हैं ना आम जानले कौन ना एनुअल डेप्रिसिएशन हो 10,000 एवं आम कॉस्ट के Now 1 lakh, okay? एवं estimated life हो चुकी 10 years. That means आमे पूरा लक्ष्य टंका जो ला write off करीबा, fixed installment method रे बा straight line method जो लक्ष्य टंका write off करीबा, तर हम प्रत्येक वर्ष कितने कितने टंका write off होगो? ना प्रथम वर्ष 10,000 टंका write off माने depreciation पड़ीगो, second year मध्यम सही 10,000 depreciation पड़ीगो, बुझ पालो? थर्ड ईयर मध्य सही 10,000 डेप्रिसिएशन पड़ो ए ओडिया अप टू 10th ईयर पर्यंत हमर 10,000 टका डेप्रिसिएशन पड़ो 10,000 तापर वर्किंग लाइफ सरी आ डेप्रिसिएशन पड़िया दैट मींस पूरा लक्ष्य टका राइट अप करिया भले हमको प्रत्येक वर्ष 10,000 राइट अप करिया मींस एठी जो जो इंस्टॉलमेंट राइट अप कराउ छी दैट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज फिक्स्ड फर्स्ट ईयर भी 10,000 सेकंड ईयर 10,000 थर्ड ईयर 10,000 फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर टेन्थ एमती अप टू 10th ईयर प्रत्येक वर्ष 10,000 लेखा राइट ऑफ होची दैट मींस द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट टू राइट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स इज 10,000 तो इट इज जेतो फिक्स रहूची सो इट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ओके एंड द लास्ट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड काई कहै थाय जेहेतु एसेट्स बा स्ट्रेट लाइन मेथड रे ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हेतै मेन से लक्षे टाँगा प्रथम वर्ष डेप्रिसिएशन के 10,000 क्या कैलकुलेशन हो लक्ष टाँग अच्छा मुझे एस्टिमेटेड लाइफ अच्छे 10 इयर्स सपोज फॉर एग्जांपल कौन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सपोज 10% ओके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% 20% फॉर एग्जांपल तार मोर एटी एनुअल डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेशन हबो दैट इज नॉट 10,000 एनुअल एटी डेप्रिसिएशन हि जीवो एनुअल डेप्रिसिएशन हबो 1 लाख इनटू 20% दैट इज 20,000 म
माने मोर वर्ष को डेप्रिसिएशन केते पड़िबो ना 20,000 ओके टेस्ट एस्टिमेटेड लाइफ संगे किछो संपर्क नै मनथो यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दै छै से क्षेत्र रे मोर एस्टिमेटेड लाइफ से त किछ संपर्क नै बाबे तो कंसीडर करे नै तठी ओरिजिनल कॉस्ट केतला न लाख टका मोर एनुअल डेप्रिसिएशन केतना वर्ष प्रत्येक वर्ष 20,000 पड़ जाय 5 वर्ष पर्यंत 20,000 पड़ लास्ट जीरो होइयो ओके तो एठी जो डेप्रिसिएशन बढ़ो प्रथम वर्ष से 20,000 पड़ो 20,000 माने 20% ऑफ 1 लाख सेकंड ईयर जो डेप्रिसिएशन पड़ो से 20,000 हो का फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड प्रत्येक वर्ष अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहबो तले से 20,000 मींस सेकंड ईयर 20,000 मींस 1 लाख रो 20% से थर्ड ईयर केते 20,000 दैट मींस 1 लाख रो 20% मींस एठी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हे थे अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड से ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कैलकुलेशन ओके तो जेतेटा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कैलकुलेशन हे थे तेन कहियाबो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मध्ये कोआ थे क्लियर सेकंड पॉइंट पहुचे जोटा मु कोइसा लेन लगली एम जो पॉइंट अछि जे यदि क्वेश्चन रे कॉस्ट अछि एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ अछि स्क्रैप वैल्यू अछि ओके क्वेश्चन दे छि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे नै रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे नै तले जे फार्मूला अछि हमें एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करे पई से फार्मूला अप्लाई करे रिमेंबर यदि क्वेश्चन ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देनी ओरिजिनल कॉस्ट दे छी स्क्रैप वैल्यू दे छी एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ दे छी तले से क्षेत्र में फार्मूला अप्लाई करके जा फार्मूला हमर दे छी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ से फार्मूला अप्लाई करी हमें एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन बट यदि क्वेश्चन ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे छी तले से क्षेत्र में हमें फार्मूला अप्लाई करबा जो फार्मूला तुम ऊपर दिया है जी से फार्मूला बा जो फार्मूला कह रहा तुमको ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ से फार्मूला अप्लाई अब नहीं एठी कौन हो ना जहां रेट ऑफ डेप्रिसिएशन थी बस सेटा ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर चार्ज क्लियर फास्ट कहली यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देई नाही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने देई नाही तले फार्मूला अप्लाई ओके जदी क्वेश्चन ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे छि ता संग्रह तुम कर सर जदी ओरिजिनल कॉस्ट दे छि स्क्रैप वैल्यू दे छि एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ दे छि जहां दो ना नहीं ताको हमर कंसीडर करय नै जदी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे छि ताले एठी हमर फार्मूला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे छि ताले एठी ए जो फार्मूला अप्लाई हो नहीं एठी कोन हबो ना एठी हबो एनुअल डेप्रिसिएशन केते ना एनुअल depreciation is equal to original cost of the asset into rate of depreciation hala jemi dekhi thila amara original cost thila 100 taka rate of depreciation 20% that means ki amara matra ketna 20,000 हला यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिछि त हमर से फार्मूला अप्लाई होबो नि ए एटा वन एडप्शन ओरिजिनल कॉस्ट इन रेट ऑफ सो यदि फॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देनि तले जो फार्मूला ऊपर कहै छै से फार्मूला ओके त कालिया में करबा स्ट्रेट लाइन मेथड रे केमते हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करबा एवं तार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट केमिति दी प्रकार मेथड अछि रिकॉर्ड करिया पई बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे हमर को डेप्रिसिएशन को ट्रीटमेंट करिया पई दी प्रकार मेथड अछि तर टू मेथड जोटा कल तुम पढ़ी तर जर्नल एंट्री करा हम तर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स गोटे हूँ कौन जो व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड एंड सेकेंड व्हेन provision for depreciation is maintained तो ये दी प्रकार हुए रे depreciation को record कराया था books when no provision for depreciation is maintained and when provision for depreciation is maintained तो first time पढ़िएगा when no provision for depreciation is maintained कल आपको पढ़े सरी question कराओ straight line method then तुमको दिया वो question कराया था घर practice करेंगे okay ठीक है ठीक थैंक यू